हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 19th of July 2019 के। तो सबसे पहले मैं एक बार देख लेते हैं इस वीडियो के हाइलाइट्स को, कौन कौन सी न्यूज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्या है इंपॉर्टेंस 17th July की इंटरनेशनल कम्युनिटी में। फिर हम डिस्कस करेंगे किसको अपॉइंट किया गया नए गवर्नर्स छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश स्टेट के। फिर हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया है कौशल युवा संवाद, तो ये इसके पीछे क्या मोटिव है गवर्नमेंट का, क्या गवर्नमेंट चाहती है जो संवाद उन्होंने लॉन्च किया उससे। फिर हम डिस्कस करेंगे NIA अमेंडमेंट बिल को, इससे क्या नई पावर्स मिलेंगी हमारी कंट्री की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या है अपडेट पंचायती राज सिस्टम से। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे जो ICC की रिसेंट रैंकिंग्स आई हैं उसमें इंडियन प्लेयर्स का क्या परफॉर्मेंस है। तो हम चलते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज़ पर, डिस्कस करते हैं इसको। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस को ऑब्जर्व किया जाता है 17th July को इंटरनेशनल कम्युनिटी में। तो ये जो वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस है, इसको ऑब्जर्व करने का जो इसको सेलिब्रेट करने का जो रीज़न है वो ये, ताकि पूरी दुनिया में अवेयरनेस फैलाई जा सके जो हमारा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस है उसके लिए, कि पूरी दुनिया को बताया जा सके कि जो जितने भी कोई अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई लॉ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है और उसको यूज़ किया जा सकता है। जो जुलाई 17th डेट है, इसको इसलिए चूज़ किया गया था क्योंकि एनिवर्सरी है अडॉप्शन ऑफ रोम चार्टर, जो कि एक ट्रीटी है जिसके अंदर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बनाया गया था। जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बैठती है द हेग नीदरलैंड्स में, और इसके पास पावर है कि ये किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी कंट्री या सिस्टम पे जो ये केस उसके ऊपर मतलब इन यहाँ पर आप केस कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल पे, किसी भी कंट्री पे, अगर वो क्राइम होता है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स और क्राइम ऑफ एग्रेशन। तो ये बेसिकली इनका काम ये होता है कि पूरी दुनिया में जो सिस्टम ऑफ जस्टिस है उसको हैंडल करना, उसको कंट्रोल करना। हम चलते हैं अपने सेकेंड फैक्ट पे। अनुसुईया उनके और बिस्वान भूषण को अपॉइंट कर दिया गया गवर्नर्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। तो राज्यसभा मेंबर अनुसुईया उनके को अपॉइंट कर दिया गया गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़, और सीनियर भारतीय जनता पार्टी लीडर BJP लीडर बिस्वा भूषण हरिचंदन को अपॉइंट कर दिया गया गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये जो दोनों अपॉइंटमेंट्स हैं, ये आई हैं डायरेक्टली प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद से, और इनकी अपॉइंटमेंट्स की जो न्यूज़ थी वो इशू की गई थी राष्ट्रपति भवन से। हम चलते हैं अपनी थर्ड न्यूज़ पर। गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया कौशल युवा संवाद। इसके अंदर गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो हमारी कंट्री की यूथ है उनसे इंटरेक्ट करना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है, ताकि वो जान सके क्या है हमारी कंट्री की यूथ का पर्सपेक्टिव, उनके व्यूज़ स्किल डेवलपमेंट पे। तो ये जो लॉन्च है कौशल युवा संवाद, इसको लॉन्च किया गया था July 15, 2019 को, जिस दिन होता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे और 4th anniversary थी स्किल इंडिया मिशन की। जो कौशल युवा संवाद है, इसका एम है कि एक ऐसा ओपन डायलॉग बनाया जाए, मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें जो हमारी कंट्री की यूथ है वो अपने व्यूज़ बता सकें, अपनी रिकमेंडेशंस दे सकें स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए। जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन है, इस मिशन को अप्रूव किया था यूनियन कैबिनेट ने 1st of July 2015 को, और ऑफिशियली लॉन्च किया था हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15th of July 2015 को, जिस दिन था वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। हम चलते हैं अपनी फोर्थ न्यूज़ पे। लोकसभा ने पास कर दिया है NIA अमेंडमेंट बिल, जिससे हमारी कंट्री की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो हमारी कंट्री एंटी टेरर एजेंसी है, उसको ज़्यादा उसकी पावर्स बढ़ाई जा सकेंगी। तो जो ये एक्ट पास हुआ है, इसके अंदर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी एडिशनल पावर्स मिलेंगी NIA को। तो इस एक्ट के पास होने के बाद NIA इन्वेस्टिगेट कर सकेगा वो सारे ऑफेंसेस को भी जो आते हैं शेड्यूल्ड ऑफेंसेस में। उसके बाद इनको पावर मिलेगी स्पेशल कोर्ट्स बनाने की, ताकि ये अपने जो केसेस होंगे उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें, उनके ऊपर ट्रायल्स कर सकें। और जो हमारे रेगुलर कोर्ट्स हैं, आपको जैसे पता है उसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो NIA को पावर मिलेगी स्पेशल कोर्ट्स बनाने की। उसके बाद ये इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे टेररिज्म और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है अब्रॉड। तो अगर कोई इंडियन है या फिर कोई इंडियन एसेट है जिस पे कोई कुछ टेररिस्ट एक्ट हुआ है इंडिया से बाहर, तो NIA को पावर मिल जाएगी कि वो इंडिया से बाहर भी उसको इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे। और उसके बाद इनको इस नए एक्ट से पावर मिलेगी साइबर क्राइम्स और केस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी इन्वेस्टिगेट करने की। जो ये बिल है जो अमेंड करता है NIA एक्ट 2008 को, इसको इंट्रोड्यूस किया था हमारी कंट्री के होम मिनिस्टर अमित शाह ने 8th of July 2019 को, और ये पास हुआ है 278 मेंबर्स इन इट्स फेवर और 6 अगेंस्ट इट। तो एक बहुत ही हाई मेजोरिटी से ये बिल पास हुआ है लोकसभा में। इसके बाद ये जाएगा राज्यसभा में, और उसके बाद ये एक बार प्रेजिडेंट्स को पास कर देंगे तो ये बिल पास हो जाएगा। जो ये बिल है
जो जिसमें एनआईए की पावर बढ़ाई जाएंगी। ये बिल हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर की एक पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, तो उसके अंडर इस बिल को लाया गया। हम चलते अपने फिफ्थ फैक्ट पे। यूनियन पंचायती राज मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने इन्फॉर्म किया है कि जो भारत नेट प्रोग्राम है, जो कि हमारी कंट्री का एक बहुत ही बड़ा इंटरनेट ज्वाइनिंग प्रोग्राम है, जिसमें हमारी कंट्री गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी पंचायत हैं, जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, जितने भी हमारी कंट्री के अर्बन एरियाज हैं, उन सबको कनेक्ट किया जाए थ्रू इंटरनेट, ताकि जो हमारी कंट्री में एक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उसको और बूस्ट मिल सके। तो जो यूनियन पंचायती राज मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने इन्फॉर्म किया कि जो भारत नेट प्रोग्राम है उसके अंदर 1.28 लाख ग्राम पंचायत अब तक लिंक किए जा चुके हैं ऑप्टिकल फाइबर से। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी फाइबर होती है जिसको यूज़ किया जाता है इंटरनेट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए। तो जो यूनियन पंचायती राज मिनिस्टर ने बताया कि 1.28 लाख ग्राम पंचायत अब तक अपलोड कर चुके हैं जितने भी उनके डेवलपमेंट प्लान्स हैं, डिटेल्स हैं। 16 लाख वर्क्स, जो मतलब उन्होंने ऐसे कोई जो भी काम किए उन्होंने वेबसाइट्स पे अपलोड कर दिए, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जा सकती है, पता लग सकता है कि जितने भी गवर्नमेंट ने जो ग्राम पंचायत है उनको मेंशन किया है, वो सबके सबका कुछ ना कुछ डिटेल है वेबसाइट पे। और उन स्टेट्स को जो स्टेट्स अपनी एरिया में पंचायत और पंचायती राज सिस्टम को मैं कहूँगा सपोर्ट नहीं करते, वहाँ पर इस भारत नेट प्रोग्राम को फाइनेंस नहीं किया जाएगा। ये भी उन्होंने इसके बारे में बताया। जो भारत नेट है, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है जिसके अंदर हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी चाहता है, कोई भी विलेज ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी चाहता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी चाहता है, तो उनको एक मिनिमम प्राइस पे ये कनेक्टिविटी दी जा सकती है, जिसमें 2 Mbps से लेकर 20 Mbps तक की स्पीड मिल सके। और बहुत सारी स्टेट्स और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। हम चलते हैं अपने सिक्स्थ फैक्ट पे। विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह ने रिटेन किया, उन्होंने अपनी पोजीशंस बना के रखी है, जो कि उनके पास थी टॉप स्पॉट्स थे। फर्स्ट पोजीशन थी जो ICC की रिसेंट रैंकिंग्स आई है ODI के लिए। तो बैट्समैन लिस्ट में विराट कोहली ने टॉप किया उस लिस्ट को 886 पॉइंट से। उसके बाद है रोहित शर्मा और उसके बाद है बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो बॉलर्स चार्ट है उसमें जसप्रीत बुमराह फर्स्ट नंबर पे, उनके बाद है ट्रेंट बोल्ट जो कि न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद है कसेगर रबाडा जो कि साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करते हैं। हम चलते हैं अपने सेवन्थ फैक्ट पे। WHO ने डिक्लेयर कर दिया है जो इबोला आउटब्रेक है कॉन्गो में एज इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। ये WHO ने इसको एक हेल्थ इमरजेंसी इसलिए डिक्लेयर किया क्योंकि ये जो वायरस है, अब इसका एक ऐसा लग रहा है कि वायरस कॉन्गो की जो नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ पर भी फैल सकता है, इसलिए WHO ने इसको एक इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। तो ये जो रिपोर्ट आई है WHO की, उसमें बताया गया कि अब तक ये वायरस 2500 लोगों को इन्फेक्ट कर चुकी है और 1700 लोगों को मार चुकी है। जो इबोला आउटब्रेक है ये सबसे पहले डिक्लेयर किया गया था कॉन्गो में, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, 11 मंथ्स पहले। और उसके बाद से ये वायरस को कंटेन करने की कोशिश की जा रही है, इसको रोकने की कोशिश की जा रही है, पर ये टाइम के साथ ये वायरस बहुत जल्दी से ग्रो कर रहा है, बहुत जल्दी से फैल रहा है। थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ से के ऊपर काम करती है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था, इसको बनाया गया था 7 अप्रैल 1948 में। इसके हेडक्वार्टर्स है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और जो WHO एक मेंबर है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का। तो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप इस वीडियो से आपको सारे करंट अफेयर्स क्लियर हो गए होंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन थी वो भी क्लियर हो गई। थैंक यू गाइस एंड हैव अ सक्सेसफुल डे।